नाजिन आदाब ना, दूरदर्शन हैदराबाद के उर्दू खबरनामा में तमाम का ख़ैर है। मैं मोहम्मद खबरों के आगाज पर देखते हैं सुर्खिया पी एम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम का मरकज की जानब से अफ्त नौ लाख अफराद को मिलेगा रोजगार मुल्क भर में कोरोना मुतासरण की तादाद में इजाफा एक ही दिन में उन्नीस हजार चार सौ उनसठ मुस्बित तीन सौ अस्सी अमवात जी के हदूद में कोरोना की सूरत हाल का मरकजी टीम ने लिया जायजा टीम्स गांधी हॉस्पिटल और कंटेनमेंट जोन का दौरा और मुतहदा नलगुंडा जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में के टी आर ने लिया हिस्सा इंतजामिया में मिसाली असलाहत लाने का दावा सुरखियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील जानी रियासत के वजीर साहद इटला राजिंदर ने बताया कि कोरोना मुतासरी को इलाज की सहूलत फ्राहम करने के लिए हुकूमत सख्त इकदाम कर रही है मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सत्रह हज़ार से ज़्यादा बिस्तर तैयार किए गए हैं अभी तक तीन हज़ार पाँच सौ बिस्तरों को ऑक्सीजन की जरूरत फराम की गई है मजदीद चार पाँच दिनों में छः हज़ार पाँच सौ बिस्तरों को ऑक्सीजन की सहूलत फ्राहम कर दी जाएगी उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि अगर कोरोना की अलामतें पाई जाती हैं तो घर पर ही अलग थलग रहें और कोरोना मुस्बित पाया नहीं जाए पर अस्पतालों का रुख करें उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर हैदराबाद में लॉकडाउन नाफिस किया जा सकता है सरकारी अस्पतालों में 1000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है महकमे सहित के दो सौ पचास मुलाजमिन कोरोना से मुतासर हुए हैं एक हेड नर्स की मौत वाकई हो गई उनके अलावा एक सौ चौरासी पुलिस मुलाजमी भी कोरोना से मुतासर हुए हैं कोरोना टेस्ट के लिए शहर में खसूस मराकज़ क़ायम किए जा रहे हैं आई सी एम आर के असूल और जवाबित के मुताबिक घरों पर ही अलग थलग रखते हुए इलाज की सहूलत फराम की जाएगी उन्होंने बताया कि हैदराबाद है में जिन मुकाम पर कोरोना केसेस ज्यादा हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन कायम किए जाएंगे रियासत में कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत के इकदाम का जायज़ा लेने के लिए हैदराबाद पहुँचने वाली मरकजी टीम ने आज शहर का दौरा किया मरकजी महकमे सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी ला अग्रवाल की क़्यादत में टीम ने आज सुबह गच्ची बॉली में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा किया उन्होंने आइसोलेशन और आई सी यू वार्ड्स के अलावा कोरोना के इलाज के लिए वहाँ दस्याब सहूलतों का मुआना किया अहदेदारों से हॉस्पिटल के बारे में मालूम हासिल की इसके बाद टीम ने दोमलगुड़ा में कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और वहाँ हुकूमत की जानब से फराम की जाने वाली सहूलतों के बारे में आवाम से मालूम हासिल की वहाँ से टीम अंबेडकर भवन रवाना हुई जहां उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा मुख्त महकमे के आला आलादेदारों से मुलाकात की इजलास में कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लिया गया मरकजी टीम ने कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ मशवरे भी दिए मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने बताया कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है मरकजी हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए ठोस इकदाम कर रही है उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुंबई और चेन्नई के अलावा हैदराबाद के लिए भी मरकजी टीम रवाना की गई है यह टीम मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेगी और इसके फैलने की वजूहत का पता चलाते हुए मरकज को रिपोर्ट पेश करेगी किशन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी से बात करते हुए रियासत में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे इकदाम के बारे में मालूम हासिल की रियासत के वजीर बल्दे नजम के टी रामा राओ ने आज सूर्या पेट ज़िले हज़ू नगर में तामीर किए गए आर टी ओ दफ्तर का ज़िले के वजीर जगदीश रेड्डी के साथ इफ्ताह अंजाम दिया इसी तरह हजूर नगर बल्दिया के हदूद में नए की तमीर और इस्किल डेवलपमेंट सेंटर का उन्होंने संग बुनियाद रखा के टी आर और जगदीश रेड्डी ने बाद हजूर नगर बलिया के दफ्तर के अहाते में हरिताम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए इस मौके पर ख़िताब करते हुए के ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत को आवाम की दहलीज तक पहुंचाया है टी के दौरे में इंतजामिया में कई असलाहत लाई गई नए अजला बनाए गए रेवेन्यू डिवीज़न मंडल और ग्राम पंचायतें कायम की गई कोरोना वायरस की वजह से माली मुश्किल के बावजूद रेतु बंधु स्कीम के तहत चौवन लाख बाईस हजार किसानों को सात हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं उन्होंने कहा कि हुकूमत समाज के तबकात को इसरा वज़ाइफ दे रही है इसके अलावा शादी मुबारक और कलियाना लक्ष्मी इस्कीम के ज़रिए भी फ़ंड्स मंजूर किए गए नलगुंडा ज़िले चटियाल बलिया के हदूद में के टी रामाव ने मुख्तिक कामों का संगे बुनियाद रखा उन्होंने छठवें मरहले के हरे धरम प्रोग्राम में भी शिरकत की नेरुडूचला में मुख्त तरक़ियाती कामों का अफ्ताह अंजाम दिया इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के सी आर ने मुतहदा नलगुंडा जिले की तरक्की पर खसूस तवज्जो मरकूज़ की है जिले में तरक़ियाती कामों के लिए खसूस फ़ंड मंजूर किए जाते इस प्रोग्राम में जिल के सदर नशीन यादव उत्तम कुमार रेड्डी अरकानी असंबली साइदी रेड्डी जी किशोर भास्कर राव सी लिंगया यादव और दूसरों ने शिरकत की रियासत वजीर इंदिरा कन रेड्डी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाकई अम्बेडकर पार्क में मुनददा छठवें मरल के हरितरण प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए इस मौके पर उन्होंने पार्क के इंट्री प्लाज़ा का भी अफताह किया इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सेहत और तंदुरुस्ती को पेश नज़र रखते हुए पौधे लगाने को तैये उन्होंने पार्क की सैर के लिए आने वालों से ख्वाहिश की कि वो इंट्री प्लाजा पर टिकट की खरीदे के मौके पर समाजी फाद बरकरार रखें और दीगर एहतियाती इकदाम पर अमल करें उन्होंने कहा कि शहरों में इस तरह के पार्कों को तरक्की दी जा रही है सेक्रेट सक्रटें तो दूर हो गई हैं सेक्रेटेट की मौजूदा इमारतों को मुनहदम करने के तनाजे पर हाईकोर्ट ने आज हुकूमत के हक़ हाँ में फैसला दिया है और मौजूदा इमारतों को मुनहदम करते हुए नई इमारत तमीर करने की इजाज़त दे दी है अदालत ने इसके खिलाफ दायर करदा तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है अदालत ने कहा कि काबिना के फैसले को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता हुकूमत ने मौजूदा इमारतों को मुनहदम करते हुए जदी सहूलतों से आरास्ता नई इमारत तमीर करने का फैसला किया था तमाम हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अदालत में मफादमा के तहत दरख्वास्तें दाखिल की गई मुल्क में कोरोना वायरस की वबा अपने उर्ज पर है और गुजत 24 घंटों में उन्नीस हज़ार से ज़्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं जिससे मुतासर अफराद की तादाद साढ़े पाँच लाख तक जा पहुँची है मरकजी वजारत सहित व ख़ानदानी बहबूद के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुतान की मजमू तादाद बढ़कर पाँच लाख अड़तालीस हज़ार तीन सौ अट्ठारह हो गई है जिसमें करोना वायरस के उन्नीस हज़ार चार सौ केसेज भी शामिल हैं गुजत चौबीस घंटों के दौरान इस वबा से तीन सौ अस्सी अफरा फौत हो चुके हैं जिससे अमवाद की मजमु तादाद बढ़कर सोलह हज़ार चार सौ पचहत्तर तक हो गई दूसरी तरफ इस बीमारी से शिफा याबी हासिल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में बारह हज़ार दस मरीजों के सेहतमंद होने के साथ ही मजमू तादाद तीन लाख इक्कीस हज़ार सात सौ तेईस हो गई है जबकि मुल्क में इस वक्त दो लाख दस हज़ार एक सौ बीस अफराद जेर इलाज है डब्बाबंद बंद की सनत की मरकजी वजीर हरसिमरत कौर ने आज खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम के हिस्से के तौर पर डब्बाबंद बंद तैयार करने की बहुत छोटी सनतों के क़यम के लिए प्रधानमंत्री योजना का आगाज़ किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि मरकज़ की इस स्कीम से पैंतीस हजार करोड़ रुपये की सरमाकारी होगी और नौ लाख हुनरमंद और नीम हुनरमंदों के लिए रोज़गार के मौक़े फ़राम होंगे मरकजी वज़ी अर्जुन मेघवाल ने कहा कि वजे अजम नरेंद्र मोदी की दूसरी मियाद के लिए इकतदार संभालने के बाद एक साल के अरसे में कई तारीखी फ़ैसले लिए गए और दादर नगर हवेली में जन संवाद रैली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ख़िताब करते हुए अर्जुन मेघवाल ने कहा कि दफ़ा तीन सौ सत्तर की बर्खास्तगी सलासा पर पाबंदी शहरी तरमीमी क़ानून इन अहम फैसलों में शामिल हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के, के खिलाफ लड़ाई में भी कामयाबी हासिल कर ली जाएगी वज्रदम ने माषी शोबे को मस्तकम करने के लिए आत्मानिर्भर स्कीम का एलान किया है जम्मू कश्मीर के सीनियर आलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने आज अचानक हुरहत कॉन्फ्रेंस से मुकम्मल अलीहदगी अख्तियार करने का ऐलान कर दिया उन्होंने अलीहदगी अख्तियार करने का ऐलान करते हुए अपने एक मुख्तसर आडियो पैगाम में कहा वो हियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस फोरम से सेलायदी इख्तियार करने का एलान करते हैं और इस फैसले से फोरम की तमाम इकाइयों को एक तफीली मकतब के जरिए मतला किया गया है इक्यानवे साल गिलानी गुजत जायद एक दहाई से अपनी रिहाइशाह वाक़ हैदरपुरा श्रीनगर में मुसलसल घर पर नज़रबंद है और वह काफ़ी अरसेल भी हैं जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में हुए एक इनकाउंटर में तीन दहशतगर्द मारे गए जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि इस इनकाउंटर में अहमद भट्ट के अलावा मज़दे दो दहशतगर्द हलाक हुए हैं श्रीनगर में कायम फौज की पंद्रहवीं कोर के एक तर्जुमान ने बताया कि इनकाउंटर के, के मुकाम से एक ए के राइफल और दो पिस्तौलें बरामद की गई हैं उन्होंने मजदूद कहा कि मुशतरिका तलाशी जारी है जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने बताया कि वगैरनाग तराल के जंगलात में गैर मुल्क दहशतगर्द दरानंदाजी के लिए मौके के इंतज़ार में हैं जुनूबी कश्मीर से दहशतगर्दों को निकाल बाहर करने के लिए सिक्योरिटी फोसेज कार्रवाई कर रही है तराल के इलाक़े में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशत गर्दों को हलाक करने के बाद वहाँ दहशत गर्दों का सफ़ाया हो गया है इस साल अब तक इस इलाक़े में सौ से ज़्यादा दहशत गर्दों को हलाक किया गया है नाजरीन आज के उर्दू खबरनामा में फिलहाल इतना ही आप देखिए सुर्खियाँ और हमें दीजिए इजाजत शब्द पी एम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम का मरकज की जानब से अफ्त नौ लाख अफराद को मिलेगा रोजगार मुल्क भर में कोरोना मुतासरण की तादाद में इजाफा एक ही दिन में उन्नीस हजार चार सौ उनसठ मुस्बित केसेस और तीन सौ अस्सी अमवाद जीएचएमसी के हदूद में कोरोना की सूरत हाल का मरकजी टीम ने लिया जायजा टीम्स गांधी हॉस्पिटल और कंटेनमेंट जोन का दौरा और मुतहदा नलगुंडा जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में के टी आर ने लिया हिस्सा इंतजामिया में मिसाली असलाहत लाने का दावा